शर्म नहीं आती तुम्हें? जब तुम्हें निकाला था इस घर से तभी कहा था कि दोबारा यहाँ शक्ल मत दिखाना, तुम मुंह उठा के आ जाते हो। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम, तुम क्यों आए हो? यही तो मैं इससे पूछ रही हूँ, कह रहा है तुमसे बात करनी है। बोलो क्या बात करनी है? साहब मैं बहुत मजबूर होकर आया हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेहरबानी होगी मुझे दोबारा नौकरी पर रख ले, मैं सारी जिंदगी दुआएं दूंगा आपको। तुम होश में तो हो? याद है ना कि हमारे साथ क्या करके गए हो तुम? बस बेगम साहबा, मैं उसी गलती की तलाफी करने के लिए आया हूँ, बस मैं लालच में अंधा हो गया था और नमक हराम बन गया था, अब मुझे एक चांस दे दे, मेहरबानी होगी आपकी। एक मिनट, तुम किस गलती की तलाफी करना चाहते हो? सादान साहब, बस आपके एहसानों के बदले मैंने आपसे झूठ बोला है। मैं क्या करता, लिशबा बीबी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं सारम साहब और उनके दोस्त काशी के खिलाफ अगर इल्ज़ाम नहीं दूंगा तो वो मुझे नौकरी से निकलवा देंगे, और उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए थे कि बस मैं लालच में आके इल्ज़ाम दे दिया मैंने। ये बात तुमने उस वक्त मुझे क्यों नहीं बताई जब मैं तुम्हें निकाल रही थी नौकरी से? उस वक्त तुम डटे हुए थे ढिठाई के साथ। बस बेगम साहब, आप मुझसे गलती हो गई है, उसी बात पे मैं अभी भी शर्मिंदा हूँ। सादान साहब मैं वापस आ जाऊँ? हमने ड्राइवर रख लिया है, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ।